हेलो गाइस, वेलकम टू बिहारी भूखर। आज मैं आप लोगों के लिए चिली पनीर की रेसिपी लेके आई हुई हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आधा चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, ऑरिगेनो एक पैकेट, 2 पीस शिमला मिर्च, 3 से 4 नॉर्मल साइज के प्याज, रेड चिली सॉस और थोड़े से कॉर्नफ्लावर के घोल, और मैंने यहाँ पे मैगी मसाला, वेनेगर, सोया सॉस का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे सबसे स्पेशल चीज़ पनीर मैंने 250 ग्राम लिया हुआ है। उसमें इन सारी चीज़ों को मिक्स कर किया हुआ है। और देखिए, मैंने अब पैन गर्म करके इनको भूनने के लिए डाला हुआ है। इसे थोड़े थोड़े देर में पकाएं। देखिए, अब मैंने इसे निकाल लिया है। देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहा है। अब मैंने फिर से पैन गर्म करके उसमें तेल डाला हुआ है, और तेल जब गर्म हो गया तो उसमें जीरा डाला है। मैंने 4 से 5 हरी मिर्च का डाला हुआ है और इसे पकाएंगे थोड़ी देर में। मैंने अब शिमला मिर्च डाला हुआ है, शिमला मिर्च को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब मैंने प्याज की सारी कलियां उसमें डाल दी हैं, उसे भी मिलाएंगे। देखिए अब थोड़ा थोड़ा रेड होने लगा है। मैंने जो मसाला तैयार करके रखा था, लहसुन का, अदरक का, वो मैंने डाला है। अब मैंने थोड़ी देर चलाने के बाद उसमें 1 चम्मच या 1 से 2 चम्मच सोया सॉस डाला हुआ है, और उसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। वेनेगर 1 चम्मच डाला हुआ है, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने अब इसमें डाल दी है। और सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से मिलाएंगे। ऑरिगेनो इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे डालें तो या नहीं भी डाल सकते हैं। और मैगी पाउडर जो मैंने डाला है वो भी मैं ऑप्शनल रखी हुई हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारी चीज़ें को डाल करके अच्छी तरह से मिला दें। मैंने कॉर्नफ्लावर का और घोल तैयार करके रखा हुआ था, वो मैंने डाला हुआ है। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें टमाटो सॉस का डाला हुआ है, और इसे धीरे धीरे चलाते रहें। अब मैंने सारे पनीर के पीसेस को इसमें डाल दिया है, और इसे थोड़ी देर के लिए ढक दें मिला करके। मैंने इसमें 2 कप पानी डाला हुआ है। अब उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए पनीर चिली बनके तैयार है। देखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।